दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विश्व जैन और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यू टाटा अल्ट्रोस टर्बो इंजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि टाटा मोटर्स की जो अल्ट्रोस है वो टर्बो वेरिएंट में आने वाली है। तो जो स्पाइड हो रही थी और जो टेस्टिंग हो रही थी, अल्ट्रोस में टर्बो इंजन आ रहा है। अब मेरे कई भाइयों ने अलग अलग कमेंट्स में मैंने देखा था कि लोग पूछ रहे थे कि ये फेक इमेज है कि सिर्फ एक फेक न्यूज़ है। तो जी नहीं दोस्तों, ये एक फेक न्यूज़ नहीं है, ये रियल न्यूज़ है कि टाटा अल्ट्रोस टर्बो वेरिएंट में आ रही है। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऑलरेडी पेट्रोल एंड डीजल इंजन में आ रही है, तो फिर इसका टर्बो वेरिएंट क्यों आ रहा है। तो दोस्तों जो टर्बो इंजन लाने का जो दो बड़े मेन रीज़न है, एक तो i20 से कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि थर्ड जनरेशन i20 में 1.1 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन आ गया है टर्बो चार्ज वाला, तो दोस्तों उससे कंपैरिजन करने के लिए। और जो दूसरा है कि अल्ट्रोस एक भारी गाड़ी है अगर कंपैरिजन करें हम दूसरी सेगमेंट की गाड़ियों से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक सेफ गाड़ी है, 5 स्टार लेके आई है और इंडिया की सबसे सेफेस्ट हैचबैक है और पहली इंडिया की हैचबैक है जो 5 स्टार लेके आई है क्रैश टेस्ट में। और दोस्तों उसकी वजह से, भारी होने की वजह से, जो उसका इंजन है वो ऑलरेडी 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर इंजन है और जिसकी BHP है वो है 85, यानी इंजन तो थोड़ा कमज़ोर है लेकिन हैवी बॉडी होने के कारण ये थोड़ा अंडर पावर लोगों को लगता है। अब जो बंदे ऐसे सिर्फ गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा खींचते हैं और फन टू ड्राइव नेचर चाहिए, उन लोगों के लिए अंडर पावर्ड है। लेकिन जो लोगों का मकसद यही है कि फैमिली को सेफली पॉइंट ए टू पॉइंट बी या फिर सिटी ड्राइविंग करनी, उनके लिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों जो लोगों को एक सेफ, बहुत ही ज़्यादा गुड हैंडलिंग, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को चलाया भी था, अल्ट्रोस का सेकंड बेस वेरिएंट चला था, जिसका रिव्यू जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यूज़ मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, क्या इसमें कोई नए फीचर्स आएंगे, दोस्तों इसके डायमेंशन क्या, ये लेंथ विड्थ में छोटी बड़ी है या नहीं, और फाइनली बात करेंगे कि कौन सा इंजन आता है। अब दोस्तों कई जगहों पे मैंने कमेंट देखा था कि क्या इसमें न्यू फीचर्स आएंगे कोई, क्योंकि कई लोगों को होता है कि क्या इसमें कोई न्यू फीचर ऐड कर रहे हैं या फिर इसकी लेंथ बढ़ा दी गई है या फिर विड्थ बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि इसका सिर्फ एक इंजन के अंदर अपग्रेड आया है, इसके जो बॉडी है या फिर जो गाड़ी है उसमें कोई अपग्रेड नहीं आया। तो दोस्तों ना ही आपको कोई नए फीचर्स मिलेंगे, ना ही कोई डायमेंशंस में चेंज है, सिर्फ इंजन में चेंज है। अब चलिए बात कर लेते हैं इंजन कौन सा आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आएगा। दोस्तों ये इंजन आपको देखने को मिलता है टाटा नेक्सॉन में। अब दोस्तों टाटा नेक्सॉन अल्ट्रोस से भी भारी और एक बड़ी सेगमेंट की गाड़ी है, तो दोस्तों वही सेम इंजन अगर आपको अल्ट्रोस में मिल जाए तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़, बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी हो जाएगी, जिसको पिकअप अच्छी लगती है और दोस्तों जिसको टर्बो किकिंग चाहिए उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी और अच्छी प्रोडक्ट रहने वाली है। हम दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसके पावर एंड टॉर्क फिगर की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 110 PS की पावर मिलेगी और 140 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो दोस्तों अगर चलिए कंपेयर कर लेते हैं पुरानी अल्ट्रोस से, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती थी, तो उसमें आपको 85 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिल जाता था। यानी दोस्तों अगर बात करें हम टॉर्क की, तो आपको यहाँ पे 227 Nm ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, और अगर हम पावर की बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे आपको 35 BHP ज़्यादा पावर मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी और अच्छा पैकेज रहने वाला है। हम दोस्तों अगर हम कंपेयर करें इसको i20 के मिलने वाले 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन से, तो दोस्तों यहाँ पे जो i20 में इंजन आता है वो है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। यहाँ पे हम अगर बात करें इसके पावर एंड टॉर्क फिगर की, तो i20 में आपको 119 BHP की पावर और 172 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो दोस्तों अल्ट्रोस जो है i20 से थोड़ी कमज़ोर है टॉर्क के मामले में, पावर के मामले में। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ी सी, अगर चलिए हम बात कर लेते कंक्लूजन की, तो भले ही अल्ट्रोस थोड़ी सी अभी भी कमज़ोर होगी आपकी i20 से, लेकिन दोस्तों इसकी प्राइसिंग आप सुनेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाएगी कि इतनी कम प्राइसिंग में ये गाड़ी कैसे आ गई। दोस्तों अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो जो अभी फिलहाल चल रही है नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड अल्ट्रोस, उसकी प्राइसिंग शुरू होती है पेट्रोल वर्जन के लिए 7.38 लाख टू 7.75 लाख तक की प्राइसिंग जो है नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड अल्ट्रोस की रहने वाली है। लेकिन दोस्तों वही भी अगर हम बात करें जो नई अल्ट्रोस टर्बो वेरिएंट आने वाला है, उसकी प्राइसिंग शुरू 7.99 लाख टू 8.75 लाख। अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 61 टू 1 लाख तक का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो जी हाँ, ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, जो कि 61 to 1 lakh तक का फर्क बहुत ही ज़्यादा मार्जिनल है। एक अगर आपको चाहिए फन टू ड्राइव गाड़ी जिसमें बहुत ही बड़ा एंड पावरफुल इंजन हो तो चलता है। दोस्तों अगर आपको i20 और अल्ट्रोस में ज़रा सा भी अगर डाउट है तो जाइए, मैंने दो पार्ट्स में फुल डिटेल में बताया है, 8 मिनट का और 1-5 मिनट का वीडियो पूरा ही डिटेल में बताया है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। प्लीज़ जाके वो दोनों वीडियो चेकआउट करना ना भूले। तो दोस्तों कंक्लूजन तो रही रहेगा कि अल्ट्रोस टर्बो एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, और टर्बो इंजन आने के बाद अल्ट्रोस एक फुली पैकेज हो जाएगा, कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे मेरे कुछ व्यूज़ अल्ट्रोस टर्बो के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कोई डाउट रहेगा कमेंट कर दे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले @visualjainblogs, वहाँ पे मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। How does it feel to breathe when you're dead?